पीते, इसलिए हम चार बोतल माजा चार बोतल खाली हट कट कर ग्रिलने लगी हुई है चार दरवाजे यहाँ पे। तारिक भैया रात को सुसाइड ना कर सके क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको धोखा दे दिया। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई देव गर्मी लग रही है। गर्मी बड़ी है यार, तेरे अंदर भी बड़ी है। रहा नहीं ना, ये रूम टूर करवाने में मेरी मदद करेंगे अलतीफ भैया। आप मेरा दिलों याद कीता मेरी जान आ गया भर जाता। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं तुम्हारा हैप्पी वीर बंदे बंदे दिंदा चीर। और अभी ना सुबह के 10:30 बज गए हैं, अभी उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। और यहाँ पे ये देखो ब्रश वगैरह, फ्रेश होने के बाद फिर से सो गए हैं। अभी ना भूख लगी हुई है यार, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह वही जो हमारा ब्रंच होता है ना वो करना है। उठो यार, ये नागपुर आया हुआ है, मतलब 10 बजे उठ गया था मैं आज, पहला दिन है ना इसलिए जल्दी उठ गया तू। हम यहाँ पे आके 12-12, 1 बजे उठते हैं, वही फिर 2 बजे सीधे कॉलेज जाना। आज तो संडे है इसलिए सारे उठ गए थे, इस आदमी ये भी कह रहे थे खाना खाने जाना, तो अभी तारीख और उनको बोलते हैं। तो गाइस यहाँ ओ देखो ये तारिक भाई अभी तक सोया हुआ है, अभी सोया हुआ। वरुण भाई क्या हाल है, ब्रेकफास्ट नहीं कर दिया आपने? चलो फिर उठो ब्रेकफास्ट करने, 9 भी नहीं बजे भाई, दोपहर के 11:30 हो रहे हैं। हाँ चलो, तो आज ना धूप निकली हुई है बड़ी ज्यादा आज यहाँ पे, देख क्या हाल है ब्रो, देखी नागपुर की धूप है। इधर मौसम का यही पता नहीं चलता भाई। अब बिना यार भूख लगी हुआ, परांठे वगैरह खाएंगे, मजे लेंगे जिंदगी के। हम ना इस मैस में जा रहे थे क्योंकि हमें ना परांठा खाना था, हमने सोचा परांठा खाएंगे, पर वहाँ पे गए अभी ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए ना अभी भूख लग गई है, अभी निकले हुए हैं फिर, तो इस वजह से अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड, वहाँ पे शायद छोले भटूरे मिलते हैं, वो छोले भटूरे खाते हैं। रघुवीर और चल रहे हैं आगे आगे, कहते हैं यहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं सबसे बढ़िया, तो चलो अभी वही टेस्ट करते हैं। रघुवीर गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, हरमनदीप गर्मी लग रही है, गर्मी बड़ी है यार, तेरे अंदर भी बड़ी है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो अभी ब्रेकफास्ट आ गया, 1, 2, 3, 4 लिए अभी ना ब्रेकफास्ट कर लिया तीनों ने, मजा आया नहीं, सही थी घर वाली फीलिंग थी, बिंदास जकास के लिए अभी वापिस जा रहे हैं हम लंच वाली तरफ। मनदीप मनदीप ये केले केले कैसे लगाए हैं बता, ऐसे लगा के केले किलो। हम वापिस से हम होटल आ गए हैं, ब्रेकफास्ट ब्रंच वगैरह करके, तो अभी ना रूम में जाके वीडियो अपलोड पे लगाई हुई है, वो अपलोड होते हैं देखते हैं ब्लॉग कल वाला जो देखा होगा। अभी ज्यादा ना गर्मी लग रही थी, पर इधर आके ना एसी लगा हुआ ना, अभी थोड़ा मौसम ठीक है। अभी ना रूम में आ गए और मैंने ना कपड़े निकाले हैं अपने, ये कपड़े लेके जाना है, प्रेस करवाने हैं इनको सबको। रघुवीर दे दो अपने कपड़े मालिक, ये वाले नहीं जो प्रेस करवाने हैं, ये वाली प्रेस करनी है। बस इनको प्रेस करवाने चलते हैं अंकल को, नहीं आपको कोई पूछे जम्मू से उठ के यहाँ पे प्रेस करवाने आया है, उठ के नहीं आए हम भाई, ट्रेन में लेट के आए, उठ के आए हो लेट के नहीं आए हो, नहीं हम उससे कपड़े धुलवाने आए हैं। हाँ भाई यहाँ के नागपुर के लोगों को पढ़ने का मौका देते हैं हम जम्मू वाले, ठीक है क्यों रघुवीर, हमारे कपड़े धोने भी पुण्य वाला काम है भाई। बिना कपड़े छोड़ के आ गया हूँ मैं प्रेस होने के लिए, शाम को मिलेंगे वो भी रूम में जाके मैं सो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चलने के बाद मैं थक गया हूँ यार, धूप इतनी ज्यादा है ना अभी दोपहर के टाइम, तो अभी सो जाऊंगा, शाम को उठूंगा एक ही बार। अभी ब्लॉग भी अपलोड हो गया, जिसने नहीं देखा जाके पहले वाला ब्लॉग देख लो। शाम के 6 बज गया हम जस्ट अभी उठे हैं, और अभी ना रघुवीर कह रहा है कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, मंदीप ने नहीं जाना है, वो अपना फोन लेके मजे ले रहा है, तारिक भैया पानी का वेट कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है, मैं नहाया तो फिर बाढ़ आ जानी है, इसलिए चुप जा बाहर चलते। तो अभी हम आए हैं पानी पूरी खाने, मैं रघु और बीबू भैया आए हैं पानी पूरी खाने, कटोरियाँ ले ली हैं, अब अमीर से दुनिया का अमीर से अमीर बंदा ना ऐसे कटोरियाँ लेके खड़ा होता है यहाँ पे। हाँ बड़े चने खा रहे हैं, पिछले जन्म में घोड़ो था क्या, हैं
इतनी मिर्ची और खट्टा खा रहे ना, बाद में तुझे लूज मोशन लग रहे और तूने बाथरूम में बैठ के पता कौन सा गाना गाना है। मुंडी लगा ले सैया तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। तो अभी ना गोलगप्पे खाने के बाद हम जा रहे हैं आगे ना, कपड़े छोड़े थे ना सुबह प्रेस करवाने के लिए, वो वैशाली नगर छोड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर है, पैदल जाएंगे वो लेके आते हैं, तब तक गोलगप्पे पच जाएंगे हमें। अभी ने जो प्रेस करवाने कपड़े दिए थे ये सारे कुछ ये सारे के सारे ले लिए हैं, अब इनको लेके पहले चलते हैं होटल, इनको कमरे में छोड़ के देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। पता है कि आज शाम को ना मैं आते ही सो गया था, अभी रात के बज रहे 11:30, मैं अभी उठा हूँ ठीक है, और अभी इधर रोटी खत्म हो गई है, पर मैंने अभी बाहर से लाया माजा और लाया पतंजलि का बिस्कुट, ये बिस्कुट ये नहीं देखो बिस्कुट, ये पैर है इस डंगर के ठीक है। अभी हम खाएंगे बिस्कुट पतंजलि का और फिर बिस्कुट खा के सो जाएंगे, माजा पी के मजा करेंगे थोड़ी देर, ऐसे ही वीडियो। ये सामने देखो नया ब्लॉगर जुड़ रहा है एक और, पर जो ब्लॉग ना सीधे फोन से बना रहा है ठीक है। आपको ना मैंने अपना रूम टूर नहीं करवाया, तो मैं आपको रूम टूर करवाता हूँ ठीक है। तो गाइस मुझे ना अभी अल्तीफ भैया हमारे कैमरामैन है, ये रूम टूर करवाने में मेरी मदद करेंगे, अल्तीफ भैया आप मेरा कैमरा पकड़ो। तो गाइस अभी ना रात के 11:30 आपको रूम टूर करवाते हैं, ये रूम की एंट्रेंस है, अंदर जाने से पहले आपको अपनी उंगलियों को साफ करना है और यहाँ पे ऐसे करके बेल बजानी है, ऐसे तारीख और हमारा कमरा खोलते हैं, और रूम खोलते ही हमें सबसे पहले तारीख नहीं दिखेंगे क्योंकि ये सोए होंगे उस समय। हमें रूम खोलते ही सबसे पहले हमारी राइट साइड आएगा एक बाथरूम, यहाँ पे कुंडी लगाई है, बाथरूम के अंदर जाने के लिए पहले कुंडी को खोले और दरवाजा खोले, आपको फ्लैश मिलेगी, यहाँ पे अपना प्रेशर 1 नंबर 2 नंबर, दोनों प्रेशर अपने रिलीज कर सकते हो और नहा धो सकते हो। मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि मैं नहाऊं तो बारिश आ जाती है, इसलिए नहाना मेरा यहाँ पे लोई नहीं है, वैसे भी पानी की कमी है नागपुर, आज पूरे दिन पानी नहीं था। साइड हमने शूज की दुकान लगाई है जिनमें से 1, 2, 3 वाले मेरे हैं, ये तारिक भी है, ये इम्तियाज भी है, ये मंदीप के, ये चप्पलें भी हैं किसी की, ये लतीफ भाई की बड़ी गंदी चप्पलें हैं, धो दिया करो कभी कभी। और एक जूता कहाँ जा रहा है एडिडास का, ये मेरा जूता है, ये कहाँ जा रहा है, ये बस मेरी तरह थोड़ा फ्रेश हुआ है गाइस, तो इस पे ज्यादा ध्यान ना दें। और इस साइड हमारे तारिक भी है जो हमें देखे, इनमें भी जुनून जाग रहा है ब्लॉगिंग का, और इसी के साथ हमारे यहाँ भी बैठ लगा मीठी मीठी बात, तो मैडी भी सोए हुए हैं और तारिक भी है हमारी वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा बेड है, बेड के साथ आ जाओ आगे आगे चलो, बेड के साथ छोटा सा टेबल है, टेबल पे हमने एक माजा रखी हुई है, खाली बोतल रखी हुई है, एक और खाली बोतल रखी हुई है, इनको हम रियासी ले जाएंगे और रियासी जाते ही इनको फ्रिज में लगाएंगे, हमारे वहाँ बोतलों की बहुत कमी होती है। उसी के साथ यहाँ पे फोन है, किसी को भी फोन कर सकते हो अगर आपको नीचे से खाने के लिए मंगवाना है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने सब ऑलरेडी सब कुछ खा लिया कि हमारे पास पैसे नहीं ठीक है। तो गाइस अगर मेरे को आप पैसे भेजना चाहते हो, मेरा गूगल पे नंबर है 7006435382, मेरे को गूगल पे करें और मैं अच्छा सा खाना खा चुका हूँ। उसी के साथ हमारे राइट साइड हमारे एक एलईडी लगी हुई है, बहुत ही जबरदस्त जकास एलईडी है ये, इसमें हम नेट के साथ यूट्यूब चला सकते हैं, हम अपने ब्लॉग देख सकते हैं, किसी की शक्लें देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, पर अभी हम नहीं देखें क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है आज। उसके साथ हमने एक गद्दा यहाँ पे एडजस्ट किया क्योंकि इसका रूम का रेंट कुछ ज्यादा था, हमने 3 बंदों ने एडजस्ट करके एक रूम लिए हुए 400 रुपए, इसलिए रेंट में काफी बढ़ोतरी है और हम अमीरी से जी रहे हैं यहाँ पे, पैसे कम होने के बावजूद हमारे पास अमीरी के पूरे नंबर है। उसी के साथ हम आपको भी अपने व्यू पॉइंट मतलब बालकनी में लेके चलते हैं, तारिक भी अभी दरवाजा ओपन कर रहे हैं, जैसे बालकनी में जाने के लिए भी आपको सबसे पहले इस दरवाजे की कुंडी खोलनी पड़ेगी, कुंडी खोल दो सजना तुम्हें जन्नत दिखाएं, तुम्हें जन्नत दिखाएं, कुंडी लगा ले सैया तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत। उसी जन्नत को दिखाने के लिए ये हमारी छोटी सी बालकनी है जिसको हम अपना डिस्को क्लब भी कह सकते हैं क्योंकि ब्लू कलर की लाइट लगी है, जैसे कि दे सकते हो साथ आप अभी आप यहाँ से दे सकते हो, ग्रिलें लगी हुई है, 4 दरवाजे यहाँ पे, तारिक भैया रात को सुसाइड ना कर सके क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको धोखा दे दिया। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता है। बिल्कुल सही गाइस, ये था हमारा होटल का रूम टूर, अब रूम टूर देने के बाद मैं थक गया हूँ, मेरा गला बैठ गया है, हमारे कैमरा मैन है वो भी थक गए हैं, तारिक भैया भी ब्लॉग बना रहे थे ये भी थक गए, थकी हारी जिंदगी को अभी हम के साथ मजेदार करेंगे। तारिक भैया अभी माजा डालेंगे गिलासों में और माजा पियेंगे, और हमारे साथ 4 और भी हैं वो दूसरे रूम में है, मतलब 4-4 एडजस्ट हुए ना वो दूसरे रूम में है, वहाँ पे भी सेम ही रूम टूर है, क्या बार बार देना, वैसे ये समझ लेना रघुवीर वरुण उस्मान और बीबू वो 4 है। अभी तारिक भाई हमारे गिलासों में माजा डालते हुए, तब तक आके भाई को 1 नंबर लग गई है यार।
तो गाइस अभी मैंने अपना आधा किलो वेट करा दिया, आधा लीटर पानी निकाल के, आधा लीटर पानी डालने के बाद हम फिर से आधा आधा लीटर पी लेंगे। और मैडी भाई क्या हाल है? चार बोतल बोर्ड का हम नहीं पीते, इसलिए हम चार बोतल माजा, चार बोतल हम चार गिलास माजा पी रहे हैं। कल ये बुला दे के अभी रघुवीर और जल रहे होंगे, पर जलो हम चीयर्स करेंगे, करो चीयर्स। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। आई होप आपको इस ब्लॉग में मजा आएगा। नहीं मजा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाकी लव यू ट्रक पर के गूगल पे भी कर देना। वीडियो में बताया आपको भी है ना, आज माजा पी रहे हैं, कल को रेल पियेंगे अगर आप ऐसे पीएंगे। क्यों तारिक भाई है ना, कल को रेल पियेंगे ना। मनोज लग रहे हो खौफनाक डकैत ना, आज माजा पी रहे हैं, कल को रेल पियेंगे। ठीक है मनदीप, 7006435382 गूगल पे कर देना। 100 रुपया का माजा आता है, 10 रुपये हम अपने आप से डाल देंगे, 110 की आती है।